कौन सा? चूंकि जानकी भैया ना हम समय ढोलक में लेते हैं और क्या ना बातें फालतू की करते हैं ना, बस हमारे श्रोताओं से इतना आशीर्वाद आ जाता है जितना गाते उतने ज्यादा आशीर्वाद बोलने में समय लग जाता है। और क्या, और क्या? आई गीत सुनना। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या जानकी भैया? अरे पहचाना जाता शहर में चीखों की आवाजें दीवारों से टकराती है मगर गांव में दूसरों की सिसकियां भी सुन ली जाती हैं। अरे शहर के शोर शराबे में कहीं खो जाता हूँ मगर अपने गांव में टूटी खटिया पर भी आराम से सो जाता हूँ। आइए ये सुनिए, सुनिए भगवान राम भटक रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने नी। उधर सुग्रीव ने देखा कि दो दो सैनिक आ रहे हों जैसे कहीं ये बाली के दूत तो नहीं है। और क्या गुप्तचर जाओ हनुमान देखकर कि अब ये कौन है और वेश बदल के जाना। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बना के पहुंच गए। हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया और बोले गौतम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप रूप मनवीरा। राम जी बोले कौंसले दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बनाए। बोले कठिन भूम कोमल पदगामी कवन हेत तो बतरो बन स्वामी। बोले यारी निश्चर वेदेही। बोले सो तो ठीक है लेकिन तुम छत्री लग नहीं रहे। और हनुमान जी बोले ऐसा है आप कह रहे कि हम छत्री हैं, आप छत्री बने हो असल में छत्री नहीं हो। और क्या, और क्या बने बनाए? बोले कैसे जाना? बोले हमने ऐसे जाना कि आप छत्री नहीं है। तो राम जी बोले एक बात कहे मन ही मन में बोले तुम भी ब्राह्मण नहीं हो। हाँ समझ लो महाराज तुम भी बने बनाए हो। और क्या हनुमान जी बोले नहीं हम तो ब्राह्मण ही हैं। बोले तो हम भी छत्री हैं। बोले नहीं। बोले हम छत्री कैसे नहीं है? बोले आपने आकर के हमको प्रणाम नहीं किया और वो छत्री ही क्या जिसका शीश ब्राह्मण के आगे ना झुक जाए। इसका मतलब तुम छत्री नहीं बने बनाए हो। और क्या राम जी बोले तो तुम भी ब्राह्मण नहीं हो। बोले क्यों? बोले तुमने आके सीधे हमको प्रणाम किया। बोले हाँ। तो बोले वो ब्राह्मण ही क्या जिसका शीश छत्री के आगे झुक जाए। तो
तुम्हें ब्राह्मण नहीं हो ना। हनुमान जी बोले हम तुमको प्रणाम तोड़े कर रहे थे। और क्या बेकार समझ रहे तुम, तो क्या कर रहे थे? ऐसे प्रणाम तो किया जाता हाथ करके ऐसे। नहीं ले बेटा, योगी जी वाह पैसा बढ़ता चला जा रहा है, अब 64 हो गया है। हाँ बढ़ेगा बेटा, 64 कलाएं हैं योगी जी, ये योगेश्वर है भगवान के लिए। धन्यवाद है, नमन करियो, लाइन को सुनिएगा। का ऐसे करके और गर्दन नीची जो करते सर झुकाते इसको प्रणाम ही कहते हैं? हनुमान जी बोले नहीं। बोले तो फिर क्या कर रहे थे? बोले सुनो क्या कर रहे थे। सुनो कि जिनके हृदय में सदा विराजे सुनो कोसला नी सहे। से तो बेटा रात भर बढ़िया बजाओगे तुम, लेकिन जो ये बात बजा के गए बेटा दिल में घर कर गई। गुपक गुपक के गुपक के गुपक गुपक के सुनो सुनो अरे झांके हृदय महावीर है वो मिला रहे तस्वीर है क्या ये वही रघुवीर है रघुवीर। मैं तो मिला रहा था कि तुमको देखा तो लगा कहीं देखा है कहीं देखा है। फिर बोले क्या हुआ? बोले सुनो सुनो कि अंदर देखा बाहर देखा बाहर देखा अंदर देखा बाहर देखा क्या देखा है। जय हो। अब हनुमान जी के अंदर राम जी हैं और बाहर भी हैं। अब राम जी के अंदर कौन है? कौन बैठे? क्रम समझना, राम जी अंदर है, राम जी बाहर है। अब राम जी के अंदर और बाहर कौन है जरा सुनेगा? सुनिए। आप अभी जवाब में बता रहे थे काक बसुन का जो प्रसंग, बड़े भैया जी उसको बड़े ध्यान से समझना, मैं जवाब में नहीं टोक रही आपको, मेरे प्रसंग को समझना। समझो करुण जी, करुण जी को काक बसुन जी बता रहे हैं कि एक बार जैसे तुम्हें भ्रम हो गया है गरुण, मुझे भी भ्रम हुआ था। बोले नाथ ने ये जी, क्योंकि नारद जी से पूछा कि ये भगवान क्या वही है? गरुण जी को घमंड हो गया कि मैंने इन्हें नागपास से छुड़ाया है, क्या ये भ्रम हो सकते हैं? नारद जी ने कहा ये बात तुम ब्रह्मा जी से पूछो। और क्या, जाओ ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा ये शंकर जी से पूछो, वो ही बता सकते हैं। और क्या, अब शंकर जी बता सकते थे लेकिन शंकर जी ने सोचा कि अगर हमने जवाब दे दिया तो इन्हें और घमंड हो जाएगा। और क्या, कि हमारा सवाल ऐसा था कि एक मुखी नहीं बता पाए, एक आनंद यानी नारद जी नहीं बता पाए, तुम चतुरानंद के पास गए, तो चतुरानंद नहीं बता पाए तब पंचानंद ने बताया। और क्या, ओ का भोलेनाथ कह रहे थे हमारे खड़ानंद पुत्र से पूछ लो, बोले नहीं। भोलेनाथ ने कहा नहीं, इनको कौए के पास भेजा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोचा भोलेनाथ ने, इससे इनको घमंड भी ना हो। और कारण ये खग जाने खगई की भाषा। तो का प्रसन्न जी बता रहे गरुण को, ए गरुण एक बार हमको भी भ्रम हो गया था, कैसे? और मैंने एक खेल खेला था प्रभु के साथ बचपन में। अरे खेल जो खेला मैंने प्रभु संग वह तो खेल न्यारा था। अरे
पास जाओ। और क्या? मैं घबरा के राम जी के पास गया, बोले प्रभु मैं समझ गया सब में आप है, सिया राम मैं सब जग जानी। राम जी बोले अभी कुछ नहीं देखा। और क्या? तुम अंदर आओ। आओ। अब कहा कृष्ण जी को अंदर ले लिया, और जब ले लिया तो कृष्ण जी बता रहे हैं हरण करके ले गया, तो देखा क्या? क्या देखा बेटा? अरे चालबाज की गैर चाल को समझ नहीं कपिराई है, शिविर में जाके देखा कपि ने खेते नहीं रघुराई है। घबराई राम की सेना है, क्यों घबराई राम की सेना है, भर कहने लगे सुनो के अंदर देखा शिविर में क्या बात है, अंदर देखा बाहर देखा, बाहर देखा अंदर देखा बाहर देखा, क्या देखा क्या देखा, मैंने देखा प्रभु अंदर न बाहर है, मैंने देखा प्रभु अंदर सुनेगा।